दोस्तों यहाँ पर अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो दोस्तों उसका आधार कार्ड आप घर बैठे भी बनवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस की यहाँ पर एक नई सर्विस स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम है डोर स्टेप सर्विस। दोस्तों इस सर्विस के अंतर्गत यहाँ पर जो अपने बच्चे का जो भी आपका बच्चा 5 साल से छोटा है उसका आधार कार्ड आप घर बैठे भी बनवा सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप घर बैठे भी अपना आधार कार्ड यहाँ पर बनवा पाएंगे। दोस्तों इसके बारे में फुल डिटेल्स में बात हम करने वाले हैं कि बिल्कुल इसके लिए आपको क्या करना होगा जिससे कि वो आपके घर आकर आपके बच्चे का आधार कार्ड बना जाए, जिससे कि आपकी टाइम की भी बचत होगी, आपके पैसे की भी बचत होगी, यहाँ पे सारी बचत यहाँ पर आपकी होने वाली। दोस्तों यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बच्चे का एनरोलमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन में, जहाँ आपको बताऊंगा कि अपने 5 साल के बच्चे का यहाँ पर आधार कार्ड आप घर बैठे भी बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नया ब्राउजर में ओपन कर लेना होगा। सिंपली इसमें सर्च करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नए सर्विस जो स्टार्ट की है, इसकी जो लिंक वो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसकी जो लिंक है वो है www.ipbonline.com, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ से जाकर ओपन कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पर ऑफिशियल पोर्टल आपके सामने ओपन होकर आ गया। दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बैंकिंग सर्विस रिलेटेड कई सारे ऑप्शन देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर लिखा है सर्वे रिक्वेस्ट के एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सिंपली आपको इसी के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ लिखा है आईपीबी कस्टमर्स, सिंपली आपको इसी के ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म। दोस्तों यहाँ लिखा है डोर स्टेप यानी आपके घर के यानी आपके घर में जाकर यहाँ पर काम आपको करने वाले। दोस्तों यहाँ पर आने वाले आपको कई सारे सर्विस देखने को मिल रही होगी। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है आधार मोबाइल अपडेट और लिखा है चाइल्ड आधार एनरोलमेंट। दोस्तों यहाँ अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा तो दोस्तों यहाँ पर चाइल्ड आधार एनरोलमेंट के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर आपको अप्लीकेशन फॉर्म भर लेना होगा। अगर दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना हो तो यहाँ पर आधार मोबाइल अपडेट के ऑप्शन में भी यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करने के बाद सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके तो हमने एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल रहा होगा। सिंपली आपको यहाँ लिखा है सैल्यूटेशन, तो सिंपली इसमें क्लिक कर देंगे तो यहाँ लिखा है मिस्टर मिसेस मिस जो भी आप हूँ उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं मिस्टर हूँ तो मैंने मिस्टर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ अपना नेम फिलअप कर देंगे, जो भी आपका नेम है फर्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, यहाँ मोबाइल नंबर आपका क्या है, यहाँ लिखा है ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी वो वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हमेशा चालू रह सके, आपको मोबाइल नंबर भी हमेशा चालू रहे वही आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है एड्रेस फर्स्ट लाइन, जो भी आपका फुल एड्रेस है वो एड्रेस आपको फिलअप कर लेना होगा, एड्रेस फर्स्ट लाइन में और एड्रेस सेकंड लाइन दोनों में आपको फुल एड्रेस आपको फिलअप करना होगा। यहाँ लिखा है पिन कोड, जैसे मैंने पिन कोड को भी डालता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये डाल दिया, ठीक है। तो ये पिन कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर लिखा है नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, सिंपली आपको इसी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आपको सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मेरा इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि दोस्तों मेरा जो इंटरनेट है काफ़ी स्लो है, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं हो रहा। दोस्तों अगर आपका इंटरनेट फास्ट चलेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगी, जैसे अपना पिन कोड डालेंगे वो ऐसे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर पिन कोड फिर से चेंज कर देता हूँ, वो भी डाल देता हूँ पिन कोड, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सर्च कर रहा है, ठीक है, जो सर्च करता है सर्च करने में दोस्तों यहाँ पर ऑटो में लिखा है चूज एन ऑप्शन, जिसमें क्लिक करके यहाँ से अपने ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं, वो आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो मेरा नेट स्लो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन खुलकर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक सब डिवीज़न डिवीज़न रीजन क्या है आपका, सर्कल क्या है, स्टेट क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप होकर आ जाएंगी। दोस्तों यहाँ लिखा है एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, जो भी आपका रिक्वेस्ट हुए हैं आपकी रिक्वेस्ट यही है कि आपका अपने 5 साल के से छोटे बच्चे का यहाँ पर आपका आधार एनरोलमेंट करवाना है, तो यहाँ पर ये डाल देना होगा कि चाइल्ड आधार एनरोलमेंट एंड वो डालना होगा मोबाइल अपडेट के लिए, ठीक है। ये अपडेट करने के लिए फिलअप कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखा है कि यहाँ पर मैंडेटरी यहाँ पर टिक कर देना होगा। टिक करने बाद दोस्तों आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा होगा सिंपली कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन में सबमिट के में क्लिक कर देंगे तो यहाँ दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपका एक पोस्टमैन आपके घर आकर यहाँ पर आपके बच्चे का आधार कार्ड बना देगा। तो गाइस इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की नई सर्विस को के एप्लीकेशन फॉर्म को भर कर अपने 5 साल के छोटे बच्चे का यहाँ पर आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई भी डाउट होता है कुछ पूछना होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें मैं कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। तो गाइस मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो साथ, जय हिंद वंदे मातरम।